जो है बहुत रखता है दर्द गया होगा लेके नाल आए होंगे के मरीज जो सो गए ने उन्हें माया वाली खुर्जी जो है चुप ले बोरिया विच बन्ने ने बहुत दर्द मिले ज्ञान नहीं किया जा सकता अखियां दे विच अज टोल प्लाजे से छिंदगढ़ मना रहे हो बहुत महीने में गुरु साहब के परिवार को याद कर रहे हो की कहना चाहोगे अज का दिहाड़ा वा दुनिया ने इतिहास की सब तो असामी जंग से एक पासे हुक्मरान से जिदे को लखा फौजा ही तरो ताजा दूजे पासे 40 भुखण भाणे सिंह जिन्हां दे इरादे दृढ़ सीगे पुख्ता इरादे सीगे हुक्मराना के खिलाफ लड़े आ और शहादत प्राप्त कीतियां ते अज दा जिहड़ा टोल प्लाजे दे प्रोग्राम आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लखते जिगर वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी अज दे उहनां शहादत दा जाम पीता सी उहनां महान शहीदां नूं समर्पित पंजाब भर दे जथेबंदी वल्लों शहीदी प्रोग्राम करवाया जा रहा है उस कड़ी दे तहत अज इत्थे आपां टोल प्लाजे दे उत्ते जिहड़ा वा शहीदां नूं समर्पित दिहाड़ा मना रहे हाँ तो नाल जिन्हों मकसद वास्ते इन्होंने महान शहीदों ने धर्म के वास्ते कौम के वास्ते अपनी शहादत दित्तियां वा तो अज भी देश के किसानों के मजदूरों को हुक्मरानों के खिलाफ अपनी हकी मंगा के वास्ते लड़ना पै रहा वा हुक्मरान तगड़े आ ताकत वधे आ उहदे मुकाबले छोटी ताकत होने के बावजूद लगातार लड़ रहे हैं तो जिन्ना चिर तक हुक्मरान जिहड़े साडे मसले हल नहीं करते उन्ना चिर तक संघर्ष चलने आ मुख मंगा जिहड़ियां हुक्मरान मन्नियां आईयां वा उहनूं लागू नहीं कर रहे जिदा किसानों मजदूरों के करजे ने देश के किसान जो दिल्ली अंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उन्होंने नौकरियां सवा लिया भगवंत मान जी कह रहे साडे विचार अधीन आ इस तो अगर जो लोगों के रोजी रोटी से जुड़े मसले आ जिमें ला लो भाई अज असी पंजाब सरकार को मांग कर रहे अपने वादे के अनुसार जिन्या पंजाब के पोस्टा वेलियां वा वह भरिया जा नौजवान रोजगार दिए जा तो मान साहब कह रहे 20,000 ही नौकरी दी है 36,000 का प्रोसैस जा रही है भी हजे थोड़ियाँ तो जोड़ा 20,000 भर्ती किया वा वो इन्ना 40% नौकरियां पंजाब तो बहरले सूबे नौजवान दित्तियां वा वो पंजाब के नौजवानों के हकों के डाका वा साडी मंग आ कि नौजवानों उन्हां दी योग्यता मुताबक रोजगार दिए जाण तो यह सरकार की जिम्मेवारी होंगी जो मान सरकार पूरा नहीं कर रही नौजवान विदेशों जा रहे जद्दी पिछली जायदादा वेच के जा रहे हैं ये पंजाब सूबे की जाए जुमला मुश्तरका जमीना ने जिहड़ियां लोग जमीन आबाद कीतियां जमीन अपने वाह के खाना मालकी विच जुमला मुश्तरका वा तो खाना कास्त विच किसान आ वह जमीन सरकार खो के पंचायतों नूं मालक बना रही आ कारपोरेट घराणियां नूं जमीन दे कब्जा करवाउण वास्ते उह सरकार राह पत्थरा कर रही साडी मंग आ कि सरकार ने जिहड़ा कानून बनाया वा उहनूं वापस लवे तो इहड़ा कानून आ बिल्कुल लोगों के नाल धोखा वा जिदा तीन खेती के कानून आए थे ये उहदे ने आई आ इस तो पंजाब के पानिया के कब्जा करवाना चाहते दराई पानी आ नहरी पानी आ साफ पानी मुहैया करवाने नाँ के उत्ते पानी लुट करवाई जा रही है पानी के उत्ते कारपोरेट जगदा कब्जा करवाया जा रहा यही भगवंत मान जी जो सदा तो बाहर से कहते होंगे सके कि जिहड़ी नशा वा ये सरकारां दी सरप्रस्ती बगैर नहीं विकदा तो अजे भगवंत मान जी पुछना चाहते हैं 9 महीने बाद टाइम हो गया वा अजय नशा पंजाब विक रहा वा तो कि मनीए भी तुहाडी सरकार दी सरप्रस्ती सरकार का लगना भी कुछ नहीं है सरकार की इच्छा शक्ति चाहिदी आ जे सरकार वाकई दृढ़ आ तो नशा जिहड़ा वा पंजाब नशे दे कंट्रोल करे 3 नौजवान नशे की वजह करके पंजाब मर रहे ये माड़ा पक्ष है सूबे वास्ते तो कारोबार जो नशे के वड्डे तस्कर आ उन्होंने फड़ के जेलां सुट्टे नशा पीण वाले नौजवान जिहड़े आ नशे के आदी हो चुके उन्हां दी थां जेलां नहीं हैगियां उन्हां नूं समझा बुझा के गल बकड़ी विच लैण दी लोड़ आ उन्हां दा इलाज कराउण दी लोड़ आ उन्हां दा इलाज करवा के उन्हां मुक्तरा विच शामिल करना चाहीदा नशे के वड्डे सदागर ने जिहड़े उन्हां नूं फड़ के जेलां सुट्टना चाहीदा सो मान सरकार इहदे विच ही फेर रही आ अगले पासे अमन कानून दी स्थिति तुहाडे सामणे आ बहुत माड़ी आ 2-3 नौजवान जिहड़े आ गोलियां भुन्ने जाते रोजाना ही वड्डा कोई हाईफाई बंदा जे गोलियां शिकार हो जाता तो रौला पैंदा अदरवाइज रोजाना इतने नौजवान जिहड़े गोलियां मार रहे गैंगवार पंजाब चल रही आ सो अमन कानून सी जिहड़ी आ इहनूं सरकार बहाल रखे आ जीरा फैक्टरी माल बराज फैक्टरी 40 पिंड आ जिहड़े पानी गंदला चुका वा कैंसर का घर बनी हुई आ
साड़ी मांग आ कि बा माल बराज फैक्ट्री के मालकों के परचे दर्ज किए जाए, उन्होंने फड़ के जेलों सुटिया जाए, ताकि जी कोई भी इंडस्ट्री जी लोगों खिलवाड़ ना करे। तो सरकार जी कारपोरेट के पक्ष खड़ी आ, फैक्ट्री के हक से भुगत रही आ, तो जेड़े इतने लोग अंदोलन कर रहे उन्होंने फड़ के जेलों में डकया जा रहा, उन्होंने परचे दर्ज किए जा रहे। सो अभी सरकार की इस कदम की निंदा करते हैं, तो मंग करते हैं कि जो किसान फड़े इन्हों रिहा किया जाए, जो परचे दर्ज किए परचे वापस लाए जा। इस तरह केंद्र से संबंधित मसले आ, डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशा ने जिहड़ा अंदोलन उठाया से, सरकार कहती सी भी अभी एक कमेटी बना भी गरंटी कानून बनाया जाए, इन लागू किया जाए, जेडे अंदोलन के दौरान किसानों ने परचे दर्ज किए परचे जोड़े वापस लै जा। इस तुगा बिजली शोध बिल 222 का लैके आता सरकार मनी सी इन्हें नहीं लियावे, पर सरकार ने देश के लोगों का धोखा किया वा, वो कानून ना पार्लीमेंट के लिया वा, तो खड़ा वा संसदीय कमेटी को भेजता, साड़ी मंग आ कि वह कानून आ रद्द करे, संसदीय कमेटी का हल नहीं है, वापस लवे सरकार। बिजली वंड कानून, बिजली वंड निजम, बिजली वंड लाइसेंस निजम 222 का नोटिफिकेशन करता वा, बिजली वंड वंडन का जो प्रोसैस है प्राइवेट घराने के हवाले किया जा रहा, साड़ी मंग आ भी वो सरकार जी नोटिफिकेशन किया हो वा वो जरा वापस लवे, क्योंकि बिजली तो प्राइवेट घराने का कब्जा करवाना चाहते हैं, पानी कंट्रोल लैना वा, इस तुगा जी बिजली है उत्ते कब्जा करना वा, तो अखीर सरकार ने थोड़िया साड़िया जमीन वाल बदना वा, पर जमीन के कारपोरेट जगते असी कब्जे नहीं होने देने, ये वास्ते लड़ रहे हैं। इस तुगा भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड आदि पंजाब की हिस्सेदारी सरकार ने खत्म करती है, दिल अपने चंडीगढ़ के सर्विस रूल पंजाब के खत्म करते हैं, क्योंकि भारत वख वख राज्यों का एक समूह हैगा वा, ये देश के संघी ढांचे उत्ते हमला वा है। सो साडी मंग आ कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के पंजाब की हिस्सेदारी बहाल की जाए, दिल्ली के जो सर्विस रूल ने खत्म की उन्होंने मुड़ बहाल किए जा। सो अनेक मसले है, रेता जी पंजाब सरकार संबंधित मसला, कहते भी रेता का कारोबार चल रहा पंजाब दे विच, ते असी सदा में चाहे भगवंत मान जी कहते बंद करा रेता 5 रुपये फुट वेचनी, अज उही रेता 75 रुपये फुट पंजाब वेच रही आ। हाँ हुक्मरान जरूर बदले आ, खड्डा के जिन्होंने कब्जे किए वो लोग बदल गए, पर लोगों की लुट ज्यों दी त्यों आ। सो तमाम मसले जोड़े है उन्होंने लैके अं संघर्ष कर रहे हैं, तो अज का दिहाड़ा महान शहीदों समर्पित आ, जिन्हों लोगों की आवाज़ बुलंद करने वास्ते, लोगों की जीवन का हक दवाने वास्ते अपन महान शहादत दिखा वा, और उन्होंने महान शहीदों को याद कर रहे हैं, तो अभी किसान लहरिया उन्होंने शहीदों के नक्शे कदम से चलती हुई, तो इस देश के उत्ते किसानों के मजदूरों का राज होवे, कोई लुट्टण वाला ना होवे, कोई लुट्टिया जाण वाला ना होवे। सो अज भी सामी जंग आ सरकार, जे कही कुंटल की साड़ी ताकत दोष टांकियां दी आ, बेमेजमी लड़ाई आ, पर यह वड्डी गल आ कि बेमेजमी लड़ाई हुंदिया होया भी दृढ़ता नाल पुख्ता इरादे नाल लड़ रहे हैं, जिन्ना चिर तक हुक्मरान लोगों के मसले लोगों के जो जायज मंगा ने वो हल नहीं करती, उन्ना चिर तक लोगों ने लड़न के इरादे बनाए हैं, 18 थावां ने टोल प्लाजे बंदे आ, 9 जख रातां ने बजुर्ग मोर्चा डटे आ, दृढ़ता नाल डटे आ, और आस नाल डटे आ भी जितना वा हुक्मरानां दीआं नीतियां जिहड़ियां वा उहनां नूं हराउणा वा, ते किसानां दे मजदूरां दा जिहड़ा वा पुगदी करनियां देश दे विच। सो किसानां ते मजदूरां राज जो लोक पक्षी कुदरत पक्षी जिहड़ा वा इहो जिहा बदलापन लिआउणा वा, इहदे वास्ते लगातार अपने टीचे वल नहीं वध रहे हन, ते हुक्मरानां दे खिलाफ़ लड़ रहे हैं। धन्नवाद जी।